For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. बॉलीवुड के दबंग खान अपने फैंस के लिए एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस में फिल्म को लेकर एक अलग तरह का ही उत्साह रहता है। तभी तो लोगों को उनकी फिल्म का हमेशा से बेसब्री से इंतजार रहता है। हाल ही में रिलीज हुई सलमान खान की रेस 3 को ऑडियंस का ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। आपको बता दें कि रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान से उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में पूछे गए थे कुछ सवाल, जिनके जवाब में सलमान ने कहा था कि उनका आने वाला टाइम काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि अभी उनके पास कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने दबंग 3, रेमो डिसूजा की डांस फिल्म शेर खान, भारत और किक 2 का नाम शामिल किया। और साथ ही साथ सलमान ने कुछ मजाक भरे अंदाज में ये भी बोल दिया कि वो संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म में काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से अब खबरें आ रही हैं कि संजय अपनी आने वाली फिल्म ड्रामा में सलमान को तो नहीं ले रहे। वहीं कुछ समय पहले खबरें तो ये भी आ रही कि इस फिल्म में शाहरुख खान काम करने वाले हैं, लेकिन बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भंसाली अगली फिल्म में सलमान को ही काम करने वाले हैं। टॉप न्यूज से सपना की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।